ऑफिस बढ़िया बनाया आपने है। रोशन तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो नीचे होना चाहिए था। सर आपने तो कहा था फाइल रख के आने को। नीचे सामान लेके आ। ठीक है सर। प्लीज सर प्लीज। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग आई प्लीज कम इन। आइए सर आइए 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 प्लीज प्लीज। हमारी कंपनी ने आपके प्रमोशन की पूरी तैयारी कर रखी है। कम इन। फाइन रुको। बोलिए सर। वो सलाम करना नहीं आता क्या? साहब को सलाम करो। सलाम सर। और सुन नीचे जाके मेरी गाड़ी धो देना और डिक्की में जो बॉक्स रखे हैं वो शर्मा जी के ऑफिस में पहुंचा देना 6th फ्लोर पर। जी सर। और उसके बाद मुझे फोन करना, मैं कुछ और काम बताऊंगा। जी सर। जा। हाँ जी सर। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट मंगाओ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बिल्कुल मंगाता हूँ। हेलो लुकमान, मिस्टर मनमीत जी की कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर आओ। तो चलो जब तक कॉन्ट्रैक्ट आता है मैं आपका ये चेक साइन कर दूँ। पेन जरूर दो प्लीज। ये भी जरूरी है ना आपका। लो जी फिर। थैंक यू सो मच। आपकी कंपनी के साथ बिल्कुल करवाते हैं प्रमोशन है ना। आप बढ़िया। चाय लाइए आप। चाय नहीं, एक काम करो ना, आप ग्रीन टी बना के ले आओ। हैं सर पियोन आ रहे वो भी बना। अरे पियोन ने क्या बनानी यार, आपको अच्छी आती होगी, आप खुद बना लो ना। सर वो चाय कैसे बनाएगा, वो मैनेजर है, पियोन नहीं है। क्यों आप इसको तनख्वाह नहीं देते, फ्री में रखा हुआ, फ्री में। सर देता हूँ सर, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये वो मैनेजर है और पियोन आके चाय बनाएगा ना। आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा एक काम करो, मैंने तो आपको पैसे दिए ना, तो मेरा तो काम आप करोगे ना। अच्छा सुनो सर, एक काम करो यार, इसके बाद में शूटिंग में जाना है तो शूज जरा गंदे हो गए थे नीचे, काम करो कुछ कपड़ा है तो जरा ला के पूछ लो। आप इंसल्ट कर रहे हैं सर। इंसल्ट का की करो, पैसे दिए मैंने आपकी कंपनी को। सर पैसे दिए हैं लेकिन ये हमारा मैनेजर है और हम मैनेजर की तनख्वाह देते हैं, मैनेजर का काम करता है। आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते और पूरी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। आपको पता है कितनी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं हम लोग। और आपने सर बड़ा बदला नहीं है, आपने हमसे कांटेक्ट किया है अपना प्रमोशन के लिए, तो मैं प्रोफेशनल बात चाहता हूँ। आप प्रोफेशनल बात। ओह अच्छा, तो वो जो वॉचमैन अब गया था वो क्या चैरिटी में आपके यहाँ पे है? नहीं, आप उसको बोल रहे थे मेरी गाड़ी धो देना, मेरा ये सामान लेना, वो कर देना। आप उसको तनख्वाह तो वॉचमैन गिरी की देते हो ना, तो आप अपनी गाड़ी भी धुलवा रहे हो, अपने दूसरे काम भी करवा रहे हो, सामान यहाँ से वहां उठवा रहे हो। और मुझे एक बात बताओ, वो आपका वॉचमैन है या कार वॉशर है या पियन है या आपका घर का पर्सनल वर्कर है? आप कहते हो कि आप प्रोफेशनल हो हैं, तो आप अगर प्रोफेशनल हो तो दूसरे के प्रोफेशन की कदर क्यों नहीं करते हो? डिग्निटी डिग्निटी की बात करते हो, उस बंदे की डिग्निटी क्यों नहीं भाई? हाँ मैंने इनको कहा कि मैंने पैसे दिए तो मेरे ये सब काम कर दो, तो माफ करना आपको बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि ये एजुकेटेड है ना, और आप जिस काम के इनको पैसे देते हो वही करवाना चाहते हो, तो वो वॉचमैन क्यों? वो गरीब है और अनएजुकेटेड है, इसलिए माफ करना सर। अगर एक एजुकेटेड बंदा इसलिए उसकी इज्जत ना करे कि वो अनएजुकेटेड है, तो वो एजुकेशन भी कोई काम की नहीं है, फिर वो भी एजुकेशन एजुकेशन नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये सारे इंडिया का सिस्टम ही बन गया कि गरीब आदमी है, वॉचमैन है या कुछ है, उसे सारे दुनिया भर के काम करवाना शुरू कर दो। कोई सोसाइटी का अगर सेक्रेटरी है तो वो तो बस अपना उसको गुलाम ही समझ लेता है, ये सारे काम कर, ये कर, ब्रेड लिया, वो लिया। क्यों आप जिस चीज के उसे पैसे देते हैं आप भी उतने ही काम कराओ ना, आप क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो? आप डिग्निटी की बात करते हो, उसकी डिग्निटी क्यों नहीं, उसकी डिग्निटी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो? कुछ बोलोगे आप? आई हैव नो वर्ड्स। मेरी समझ में आ गया, आपने जो कुछ कहा है मैं आज से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी कंपनी में सब प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए। एक बात आपको बता दूं सर,
ये जो पैसे दे के आप सलाम ठुकवाते हो ना, उसका मजा नहीं है। कुछ ऐसा करो कि सब आपसे खुश होके दिल से आपको सलूट मारे, उसी सलूट का फायदा है सर। ये किसी को डरा के या पैसे दे के सलूट मारा तो क्या मारा है सर, डिग्निटी तो ओरिजिनल सलूट में है, ये पैसे देके वाले में नहीं है, है ना। तो माफी चाहता हूँ, आपको कोई बुरा लगा तो सॉरी यार। मुझे एक बस बात आपको ध्यान दिलानी थी कि हर बंदे की एक रिस्पेक्ट है, जो काम करता है वो फ्री में नहीं करता है। अगर उसको आपकी जरूरत है तो आपको भी उसकी जरूरत है ना। डिग्निटी ऑफ लेबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी तो। नहीं नहीं सर, यू आर ग्रेट सर, आपकी इस बात को न्यूज में देना चाहिए, लोग भी सीखेंगे कुछ इनकी इस बात से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे नहीं 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 यार, ये जो अच्छाई होती है ना, ये बंदा अपने दिल के लिए करता है या सोसाइटी के लिए करता है। दिखावे के लिए किया तो फिर क्या अच्छाई हुई। हाँ एनीवे थैंक्स, थैंक यू सो मच यार। बढ़िया, न्यूज व्यूज में नहीं, ये तो हमने अपने दिल के लिए किया है ना। थैंक्स, थैंक यू। सर तुम्हारा काम निपट गया, अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, जाके आराम करो। थैंक यू सर। आज से तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, ठीक? ठीक है सर। जाओ। सलाम सर। अब बजा सल्यूट सर, ये बजा दिल से। बैठो यार, चलो कॉन्ट्रैक्ट तो बताओ, कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन।